नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूँ आप सभी का फास्ट इंडिया न्यूज़ वन में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। टीकमगढ़, भारतीय जनता पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी प्रफुल्ल द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी पर्व पर बूथ विस्तारक योजना में संगठन की तरफ से संपूर्ण मध्य प्रदेश में बूथ विस्तारक योजना चलाई जा रही है। इसी तारतम्य में टीकमगढ़ जिले में बूथ विस्तारक योजना के लिए भाजपा जिलाध्यक्ष अमित नुना के मार्गदर्शन में बूथों पर प्रभारियों की नियुक्ति की गई है एवं बूथ विस्तारक योजना का जिला प्रभारी महामंत्री आशुतोष भट्ट को बनाया गया है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में तीनों विधानसभाओं में 3 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जिसमें अलग अलग प्रभारी बनाए गए। टीकमगढ़ विधानसभा के लिए रितेश भदौरा, जतारा विधानसभा के लिए गोपाल सिंह राय, खरगापुर के लिए अनीश खान को प्रभारी बनाया है। कार्यक्रम में लगभग पूरे जिले में 3,300 कार्यकर्ता सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। कार्यक्रम में 135 कार्यकर्ता पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसी तारतम्य में केंद्रीय मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ग्राम करमाराई में बूथ क्रमांक 174 पर पहुंचे। उनके साथ जिला महामंत्री अश्वनी चिड़ार, पूर्व कॉपरेटिव बैंक अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी, सांसद प्रतिनिधि अनुराग वर्मा, जीतू सेन, अजयंत प्रताप सिंह उपस्थित रहे। इस दौरान बूथ समितियों का गठन किया व बूथ पर पन्ना प्रमुख बनाए एवं कार्यकर्ताओं से भेंट की। वही विधायक राहुल सिंह ग्राम गुना में बूथ क्रमांक 114 एवं सरकनपुर में 148 बूथ क्रमांक पर जाकर कार्यकर्ताओं से भेंट की, बूथ प्रभारी बनाए। विधायक राकेश गिरी ने बूथ क्रमांक 111 लार बंजरिया, 216 बड़माड़ाई में जाकर बूथ समितियों का गठन किया। वही भाजपा जिलाध्यक्ष अमित नुना बूथ क्रमांक 120 मजना में बूथ विस्तारक योजना की जानकारी कार्यकर्ताओं को दी, पन्ना प्रमुख बनाए। प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रवीण नापित ग्राम सापौन बूथ क्रमांक 204 एवं समर्रा बूथ क्रमांक 190 में प्रभारी रहे। वही भाजपा जिला उपाध्यक्ष अभिषेक खरेरानू, मनोज देवलिया, ब्रजकिशोर तिवारी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज़ 1।